देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। दाज पिपला के महाराजा के बेटे राजकुमार मानवेंद्र सिंह गोहिल ने किया राजयोग मेडिटेशन। गुजरात में राजपीपला के महाराजा के बेटे राजकुमार मानवेंद्र सिंह गोहिल का वॉशिंगटन डीसी स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर पर आगमन हुआ, जहां उन्होंने न केवल मेडिटेशन रूम में राजयोग का अभ्यास किया बल्कि वॉशिंगटन डीसी में मेडिटेशन म्यूजियम्स की डायरेक्टर बीके डॉक्टर जैना से ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा करने के बाद ब्रह्मा भोजन भी स्वीकार किया। जिलाधिकारी कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर बैठक, ब्रह्मा कुमारीज शामिल। लातूर जिले में जिला क्रीड़ा संकुल के ग्राउंड में 21 तारीख को हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। इसमें आप सभी से ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आके भाग लें और योग के जो फ़ायदे हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, मेंटल बेनिफिट्स हैं, वो सभी फ़ायदे का आप एक एक्सपीरियंस लें। 21 तारीख को सुबह 6 बजे से 8 बजे जिला क्रीड़ा संकुल में हमने ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कार्यक्रम आयोजन किया है। भारत सरकार द्वारा 21 जून को पूरे देश में बड़े पैमाने पर और अधिक उत्साह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत लातूर जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी पृथ्वीराज की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिला प्रशासन, नेहरू युवा केंद्र, आयुष विभाग के संयुक्त सहयोग से ब्रह्मा कुमारी संस्थान, पतंजलि योगपीठ, NCC, होमगार्ड, शिक्षण विभाग एवं अन्य संस्था के लोग इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें ब्रह्मा कुमारी की ओर से लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पुण्या मुख्य रूप से शामिल हुई। नई दिल्ली के सैयद नांगलोई सेवा केंद्र द्वारा समाज सेवा प्रभाग का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसका विषय रहा समभाव एवं सद्भाव, श्रेष्ठ समाज के नियम। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने अपने अनुभवों से बताया कि श्रेष्ठ समाज का निर्माण कैसे किया जा सकता है। इनमें मुख्य रूप से खानपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, सोता फाउंडेशन की फाउंडर हेमलता गर्ग, मील्स ऑफ हैप्पीनेस संस्था की आंचल शर्मा, 2015 में मिसेज इंडिया रह चुकी रूबी फोगाट शामिल रही। अंत में समाज सेवियों को मोमेंटो व ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। वाराणसी के बजर डीहा सेवा केंद्र द्वारा बच्चों के लिए 7 दिवसीय समर कैंप आयोजित किया गया। इस मौके पर बच्चों के विकास के लिए मोबाइल डी एडिक्शन, सकारात्मक सोच, एग्जाम फियर जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। साथ ही हेल्थ चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसका बच्चों ने लाभ लिया। जितना वरदान है उतना ही अभिशाप है, यह हमारी सुविधा के लिए बनाया गया था और इस समय सबसे ज्यादा असुविधा इसी से है। इस शिविर के दौरान बच्चों को विभिन्न क्रियाकलापों एवं कार्यक्रमों के द्वारा उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हेतु प्रयास किया गया, जिसमें बीके चंदा, बीके श्याम, बीके आशीष, बीके इरशाद समेत अनेक सदस्यों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं आर्ट ऑफ पेरेंटिंग कार्यक्रम के जरिए अभिभावकों को अच्छे माता पिता बनकर बच्चों की पालना कैसे करें, उस पर विशेष ध्यान खिंचवाया गया। इस शिविर का उद्घाटन आर्य महिला कन्या इंटर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर प्रतिभा यादव, जल निगम के पूर्व मुख्य अभियंता चंद्रदेव सिंह यादव ने किया। इस दौरान प्रतियोगिता में विजयी बच्चों को जहां सर्टिफिकेट दिए गए, तो वहीं वृक्षारोपण भी किया गया। बड़ोदरा के अटलादरा में नए सेमिनार हॉल, मेडिटेशन हॉल व योगी गृह वाटिका का उद्घाटन एवं वृक्षारोपण माउंट आबू से आए ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू, अटलादरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा, बीके पूनम, बीके डॉक्टर जयंत, बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह समेत कई विशिष्ट लोगों के द्वारा संपन्न हुआ। इस दौरान डिप्टी मेयर नंदा, पैरामाउंट कंपनी के CEO केवल कृष्ण तुल्ली समेत कई इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर्स आदि उपस्थित रहे और अपनी शुभाशाएं व्यक्त की। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज की ग्राम विकास प्रभाग और टुंडला सेवा केंद्र द्वारा आत्मनिर्भर किसान अभियान का उद्घाटन सिकरारी गांव में हुआ, जिसमें विधायक प्रेमपाल सिंह ने अभियान की सराहना की तो पलवल से आए ग्राम विकास प्रभाग के एक्टिव मेंबर बीके राजेंद्र, उप जिलाधिकारी पारसनाथ, ईदगाह सेवा केंद्र प्रभारी बीके अश्विना, सादाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना, ग्राम पंचायत सरकारी के प्रधान अजय कुमार ने वृक्षारोपण का महत्व बताया और किसानों की समस्याओं का जिक्र किया। जो परिस्थितियां आज विपरीत चल रही हैं, उस विषम परिस्थिति में आप भारत को, समाज को, किसान को आप उन्नति की ओर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्प है, कार्यरत है, इसके लिए आप सबको भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यूपी के टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से लखनऊ गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम आयोजित कर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। वेलनेस टूरिज्म कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में दिल्ली में जीबी पंत हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी प्रोफेसर बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता ने कहा कि राजयोग हमारे तन और मन दोनों को स्वस्थ बनाता है। संबोधन के बाद संस्कृति एवं पर्यटन के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने उन्हें सम्मानित किया।
वहीं लखनऊ IIM में भी बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता ने अपने सुंदर विचार रखे, जहां IIM की डायरेक्टर अर्चना शुक्ला ने डॉक्टर मोहित गुप्ता को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।